अल्लाह नाजरीन प्रोग्राम पैगाम हक़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद अरसलान सईद नाजरन इकराम आज का जो मौजू है वो है निकाह और हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें निकाह एक ऐसी चीज़ है जो सुन्नत रसूल सलील वम भी है और आज कल माशरे की अहम ज़रूरत भी बनती जा रही है हम देखते हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो इतनी बे रवी का शिकार है कि वो निकाह से निकाह को छोड़कर और जो ग़ैर अमल हैं यानी कि जिसको हम कहते हैं कि रिलेशन वग़ैरह तो उसकी तरफ रागब हो रही है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं क्या मामलात हैं कुरान इसके बारे में क्या कहता है तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात पर इस बात को जो है ज़ेर बहस लेकर आएंगे कुरान करीम में जो ममिन हैं उनके लिए निकाह का ये फरमाया गया है कि सूरतमतना में है कि मोमिन मर्द मोमिना औरत से निकाह कर सकती है मोमिन मर्द मोमिना औरत से निकाह कर सकता है इसी तरह मोमिना औरत मोमिन मर्द से ही निकाह कर सकती है चाहे मोमिन मर्द गुलाम हो या मोमिना मर्द लौंडी हो सूरह ममतना इसी तरह एक और आयत सूरत माहिदा में ऐसा माशरा जहाँ इस्लाम अपनी जावेदानी के साथ कारमा हो उस माशरे में अहल किताब से निकाह को जायज़ रखा गया है ताकि मुस्लिम माशरत की रूह को देख कर इन अहल किताब के लिए कबूलत इस्लाम के रास्ते आसान हो जाए इसी तरह एक और आयत सुर नूर में जिसका मफहूम ये है कि ग़ुलामों और लॉन्डियों से निकाह करना जायज़ है सिवाए इसके कि वो बदकारी में मुलवज हों तो नाज़रीन इकरम इसी तरह कुरान करीम की आयत कमो बेश 30 आयत में जो है शादी यानी के निकाह से मुताल्लिक कुरान करीम में इरशाद ई ताला हुआ है सूरह बकरा में है वला तनहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमातु मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिहु वलव अजबतकुम

लॉन्डी मुश्तर से अच्छी है मुशरिका से अच्छी है अगरच वो तुम्हें भाती हो और मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक कि वो ईमान न लाए और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरच वो तुम्हें भाता हो वो दोजख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म से और अपनी आयतें लोगों से बयान करता है ताकि वो नसीहत माने इसी तरह सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह जल्ला जलालहु फरमाता है नसाउकुम हरसुल लकुम फातू हरसकुम अन्ना शितुम वक्ददु ली अनफुसिकुम वत्तकुललाह वअलमु अनुकुम मुलाकूह वबशिरल मुमिनीन तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेती हैं तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें इसके रूबरू हाजिर होना है और ए पैगम्बर सल्ला वसल्लम ईमान वालों को बशारत सुना दो तो नाजरीन इक्राम आप लोगों ने देखा कि कुरान करीम में बारहाँ शादी यानी कि निकाह की तरफ जो है अहले तो ईमान को बल्कि तमाम मुसलमान को तमाम इंसानों को रगबत दिलाई गई है कि निकाह को आम किया जाए यानी कि ये एक फितरी अमल है ये इंसान की बुनियादी जिनसी ज़रूरत है और इस पर हमें अपने जो हमारे आबाव अजदाद हैं जिस तरह अगर हम उनको देखें उन्होंने इसको क़ुरान के मुताबिक वो लोग अमल किया करते थे कम उम्री में जो है लोगों की शादियां हुआ करती थी, और आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ़ इस वजह से अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं कर रहे कि वो एक अपना माशरे में मकाम पहले पैदा कर सकें या उनके पास कुछ रकम यानी कि दौलत जमा हो जाए या कोई वो अच्छी पोस्ट पर जब तक ना पहुँच जाए जब तक वो जो है लड़का जब तक अपनी वो हासिल ना कर सके अपना मक़ाम और वो उस वक्त उससे शादी ना करते हैं तो नाजरीन क़ुर करीम की इन आयात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि निका कितना ज़रूरी है और कितना अहम जो है वो फरीजा ही कह लें कि जिसमें एक मर्द दूसरी औरत से शरयी तौर पर निकाह करता है और माशरे के लिए कारमद चीज़ जो है वो साबित होती है ऐसे अकरबा व उनके गैर जिनके ममिन निकाह नहीं कर सकते वो कौन लोग हैं उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा माँ बेटी बहन खाला पुपी भाइयों और बहनों की औलादें रज़ाई यानी कि दूध शरीक माएँ और बहनें सास सोतीली बेटियाँ और बहुएँ ये वो तमाम वो लोग हैं जिनसे निकाह नहीं किया जाएगा यानी कि सूरत निसा में अल्लाह ताला ने ये बातें फरमाई हैं गैर मोमिन मर्दों और, और औरतों से निकाह की ममानियत है गैर मोमिन से मुराद जो ईमान नहीं रखते अहले किताब से निकाह जायज़ है जबकि बशरती है वो कबूल इस्लाम में दाखिल हो जाए इसी तरीके से बाप की बीवी से यानी कि एक तो आप समझें कि जो आपकी सतीली माँ है बाप की बीवी से भी निकाह जायज़ नहीं है इसी तरह जानिया औरत से या मर्द से जानिया औरत का किसी मर्द से निकाह जायज़ नहीं है इसी तरीके से जानी मर्द से किसी औरत का निकाह भी जायज़ नहीं है यानी कि जानी मर्द का किसी जानी औरत से भी नहीं है और ज़ानी औरत का जानी मर्द से नहीं और जानी मर्द का किसी जानी औरत से निका जायज़ नहीं है इसी तरीके से ये वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हदूद कायम कर दी और एक जाप्ता इखलाक बताया कि आपने किस तरह जो है वो शादी के इस नेक अमल को अंजाम देना है कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप यानी कौन से ऐसे अकरबा हैं जिनसे आप जिनकी शादी जिनसे निकाह जायज़ है और वो कौन से लोग हैं जिनसे निकाह जायज़ नहीं है इसी तरीके से जिस तरह निकाह के लिए उसूल और जवाब व कवायद जो हैं वो आपके सामने मैंने बताए हैं इसी तरीके से तलाक़ के भी कुछ उसूल हैं कुछ हदूद हैं कुरान करीम में रिश्ता निकाह के इनकता में एक मर्द को दो मौा फराम करता है कुरान मजीद जिसमें वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी कर ले और रजू करके दोबारा इस रिश्ते से मुंसलिक हो जाए फिर उसके बाद या तो उसे अपने निकाह में रखे या तलाक देकर उसे मुकम्मल छोड़ दे सूरतुल्बरा आयत नंबर दो सौ उनतीस का ये मफहूम है इसी तरह उन औरतों को भी सोसाइटी के दस्तूर और माशी हालात के लिहाज से कुछ सामान ज़िंदगी देकर रुखत कर, कर दें जिनसे खलवत न हुई हो या जिन्हें महर मुकर्रर किए बग़ैर तलाक़ दे दी जाए यानी कि महर एक बहुत ही अहम चीज़ है इस निकाह के मामले में महर जितना हो सके जब अगर आपस में जो है वो आपने जो है वो मुक्रर कर लिया है तो उसको जल्द अज़ जल्द मर्द को चाहिए कि वो औरत का जो महर है वो अदा कर सके। कुरान करीम में इरशार बारी ताला है अलामर व इन सैकुम बूफन अ तसरी बहसानत तुम्हशन अवाफ़ा अल्लाम हदूदल फ़ैन ख़िफ तुम अल्लाम हद्लही फ़ल जुना फ़ीम तिलगा हद्ह वमयद हदूद हमालमून शुरह बकर आयत नंबर दो सौ उनतीस ये तलाक़ दो बार तक है फिर भलाई के साथ रोक लेता है या अच्छे सलूक के साथ छोड़ देना है और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम न रह ना करेंगे और फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक उन्हीं हदों पर ना रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं इसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले ये अल्लाह की हदें हैं उनसे आगे ना बढ़ो और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ें तो वही जालिम हैं ये आयत जो है इसका मफहमूम कुछ इस तरह से है कि मर्द के पास जो दो ऑप्शन अल्लाह यानी कि दो दफ़ा अगर वो तलाक दे देता है किसी औरत को तो वो उसके पास एक की गुंजाइश रखी गई है इसीलिए ताकि वो दोबारा उसको रजू कर सके और अगर मामला अफहमो तफहीम से जो है वो खुश असलूबी के साथ तय पा जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता तो फिर अच्छे अंदाज में एक दूसरे को एक दूसरे सेलहदा हो जाए इसमें भी ये एक बात बयान फरमाई है कुरानी करीम की रूप रोशनी में कि आपने जो बीवी को माल दिया है उससे वो वापस तलब ना करें हमारे यहाँ माशरे में अक्सर और बेशतर ये दिया जाता है कि जब मामला इस हद तक पहुँच जाते हैं कि जब तक किसी को बुरा या किसी को करैक्टर के ऊपर किसी औरत के बात ना करते तो हम जो है वो किसी सेलहदगी अगर करते भी हैं और तलाक़ वग़ैरह किसी को दे भी दी जाती है तो वो भी इस नौीयत पर होती है कि उसको बेचारी को जो है वो बदकिरदार साबित कर दिया जाता है या उसमें कोई ना कोई ऐसी ख़ामी तलाश की जाती है कि वो बेचारी अगले किसी मर्ज़ से निकाह करने के काबिल भी नहीं रहती यानी कि उसके बारे में ऐसी जो है बातें हालांकि अभी कुछ सालों की बात होती है कुछ दिनों से पहले की बात होती है कि वो आपकी मनकुहाँ थी उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयाँ आपस में एक दूसरे के लिए थीं तो कुरान करीम ये कहता है कि आप अगर अलहदगी भी इख्तियार करें तो अफहम और तफहीम के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में एक दूसरे को बात कह दें नाजरीन इक्राम हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मर्दों में एक बड़ी एक, एक ख़्वाहिश है जो हमें नज़र आती है कि हमें तो जी सुनत रसूल पर जो है वो अमल करना है और वह सुनत भी कौन सी सुनत है कि जी हमें तो चार शादियाँ क्योंकि हर शरीय इजाज़त देती है दे तो चार शादियाँ हम कर सकते हैं तो चार शादियाँ किस सूरत में जायज़ हैं या एक से ज़ायद शादियाँ किस सूरत में जायज़ हैं उसके लिए भी कुछ असूल ववालत हैं कुछ कवायद हैं यानी कि सुर निसा के अंदर है वाइन इन ख़िफ तुम्ला तुख सितोफिलयतमा फ़न के मातबल मिनना वसूल सवरुबा

तो एक औरत ही काफ़ी है या लॉन्डी जिसके तुम मालिक हो इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे यानी कि इस क़ुरान की जो आयत है जो सूरह निसा की आयत नंबर तीन है तो उसमें यही बताया गया कि आप के लिए ये शरान जायज़ है कि आप बैक वक्त भी चार शादियाँ कर सकते हैं मगर किस शर्त के साथ कि आप उनके दरमियान यकसा रहें यानी कि आप उनके दरमियान यकसर सलूक रखें उनके दरमियान नाइंसाफ़ी ना, ना हो पाए किसी भी तरह से चाहे वो माली तौर पर हो चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो चाहे वो इखलाकी तौर पर हो तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आपने इंसाफ के अमल को जो है वो कायम रखना है तो आप दो दो करें तीन तीन करें चार चार शादियां करें करें तो इसमें कोई ममानियत नहीं है बल्कि ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है लेकिन सिर्फ़ इस बात को जहन में रखना है कि आप क्या इंसाफ़ कर पाएंगे और अगर आप इस बात को समझते हैं कि इंसाफ़ नहीं कर पाएंगे तो आप एक ही पर इतफ़ा कर लें क़ुरान करीम में महर की अदायगी के लिए भी असूल व बताए हैं और जिन या की दाद रसी की खातिर उनकी माओं से निका किया है उन औरतों का महर इसी तरीक़े से दिया जाए जिस तरह आम औरतों को दिया जाता है ये उज़र नहीं पैदा करना चाहिए कि निकाह चूँकि उन्हीं की औलाद की मसलहत से किया गया है इसीलिए अब कोई ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रही अपनी खुशी से आकर वो मोहर के किसी हिस्से दस्त बरदार हो जाएं या कोई और रियायत करें तो उसमें हर्ज नहीं है लोग अगर चाहें तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं यानी कि महर के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो महर जो है मुतन किए गए हैं दोनों तरफ़ से यानी कि मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ़ से भी तो वो मर्द को चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द औरत के जो महर हैं उसको वो अदा कर सके यानी कि इसमें दो तरह की किस्में एक मवज्जल है और एक गैरमुजल है मौज्जल का मतलब ये है कि आपने जल्द फ़ौन जो है वो जैसे ही निकाह हो जाए आप फ़ौन उसको वो अदा कर दें उसका वो हक़ है ये औरत का हक़ है बुनियादी तौर पर और उससे पहले और इसी तरह गैर गैरमुआ्जल यानी कि आप आराम से भी उसको दे सकते हैं इसी तरह बीवी अगर चाहे तो वो अपना हक महर माफ़ कर सकती है तो ये उसकी सवाब दीद के ऊपर है कि वो अपना हक़ जो है वो उस मर्द को माफ़ कर दे तो ये भी पॉसिबिलिटी है तो हमें देखना होगा क़ुरान करीम में इसी तरह एक आयत में वाजे कर दिया कि औरतें जानवर नहीं हैं यानी कि इस आयत में वाज हुआ कि औरतें जानवर नहीं हैं जिसको मिरास में मिले वो उनको ले जाकर अपने बाड़े में बांध ले उनकी हैसियत एक आज़ाद हस्ती है क्योंकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने औरतों को सबसे ज़्यादा जो है वो इस माशरे में इज़्ज़त दिलाई अहले कुरैश जमान जाहलीत के अंदर औरतों के साथ क्या जुलम नहीं करते थे यानी कि हती के वो औरतों को यानी कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे तो आप सल्लाम ने दीन इस्लाम में जो है औरत को कितनी इज़्ज़त बख्शी है तो ये हमें और आपको चाहिए कि हम इस चीज़ को सोचें कि क्या हम अपने जो अहल आयाल हैं या जो हमारी अजवाज हैं क्या हम उनके साथ किस तरह हमारा रवैया है हम उनको किस तरह इज़्ज़त दे रहे हैं हम क्या उनके जो हकूक़ हैं क्या वो हम अदा कर रहे हैं क्या हम उनके हकूक़ पूरे कर रहे हैं तो ये हमें सोचना चाहिए और इसके बारे में भी सवाल होगा एक मर्द से उसके अपने अहलआयाल के बारे में सवाल होगा कि उसने जो उसके यानी कि उसके अंडर जो लोग आ रहे हैं चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो, तो उसके बारे में उससे सवाल होगा कि उसने उनके साथ किस तरह का मामला किया तो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर औरतों की मर्ज़ी के बग़ैर कोई चीज़ उन पर मुसलत नहीं की जा सकती हम अक्सर अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि कुछ इलाकों में अभी भी आज भी जो है ना रस्म है एक कारोकारी की रस्म है और एक जो वो रस्म है जिसको हम कहते हैं कि कम उम्र में जो है बहुत जल्दी बच्चों से जो है शादी कर दी जाती है और बच्चियों से पूछा नहीं जाता तो मैं उन तमाम हजरात से उन तमाम लोगों से ये अपील भी करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा इस अमल को छोड़ें और अपनी बच्चियों की बेहतर मुस्तबिल के लिए उनसे जो है वो इजाज़त ज़रूर तलब करें जब वो निकाह के लिए निकाह के काबिल हो जाएं बग़ैर इजाजत के उनके वो निकाह ना निकाह में ना दें इसी तरह ये बात भी जायज़ नहीं कि बीवी अगर नापसंद है तो उससे अपना या अपना दिया लाया वापस लेने के लिए उसको जैक में डालने और तंग करने की कोशिश की जाए इसी तरह का रवैया सिर्फ़ उस सूरत में गवारा किया जा सकता है जब वो खुली हुई बदकारी करने लगे इस किस्म की कोई चीज़ अगर उससे सादर नहीं हुई है तो वह अपनी वफादारी परायम है और पाक दामनी के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है तो महज़ इस बुनियाद पर कि बीवी पसंद नहीं है उसको तंग करना अदलानसाफ़ और, और फितरत व शराफत के बिल्कुल मुनाफी है अखलाक़ी फसाद काबिल नफरत चीज़ है लेकिन महज सूरत के नापसंद होने या किसी अदम मुनासबत की बिना पर उसे शरीफाना माशरे के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता यानी कि सिर्फ अपनी नापसंदीदगी की वजह से हम औरतों के हकूक़ सलब नहीं कर सकते जो बीवी का हक हाँ है हमें उनका हक हाँ अदा करना होगा तो जिस तरह मर्दों के हकूक़ हैं इसी तरह औरतों के भी कुछ हकूक़ हैं तो हमें उनको बैलेंस लेके चलना होगा और इस प्रोग्राम के तवस से मैं उन तमाम लोगों को ये कहूँगा कि अपने जो अहल खाना हैं उनका बहुत ख्याल रखें उनके हकूक़ का ख्याल रखें उनकी दिल आज़ारी ना होने दें और ये मर्द की फ़ितरत के बिल्कुल मुनाफी है कि जिस औरत के साथ उसने ज़िंदगी भर का पैमान वफ़ा बांधा है जो एक नहायत मजबूत है और अक़द उसके अक़द में आई है जिसने अपना सब ज़ाहिर व बातिन उसके लिए बेनकाब कर दिया और दोनों ने एक मदत तक ज़िंदगी गुजारी तो चाहिए कि हमें भी एक खुले दिल का मुजाहरा करें मर्द को भी खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और उसके हकूक़ की हिफाज़त करनी चाहिए तो नाजिन इक्राम प्रोग्राम करते हुए अगर इस में हमसे कोई ग़लती हो गई हो या इसके पढ़ने में या उसके कुरानी के मामले में कोई किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं अपने रब के हजूर माफी का ख्वासगार हूँ अपने मेज़बान इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद अरसलान सईद को इजाज़त दीजिए इन शाला अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे असल वरम्ला